भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मेरे तरफ क्यों आ रहा है? थोड़ी बुलाए मेरे तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो गाइस, समझ भी ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो गाइस, जैसे कि मैं भी रेडी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। और मैं कुछ भी नहीं की हूँ, बस सबसे पहले मैं रेडी हूँ, अभी जाकर रंगोली बनाऊँगी। उसके बाद कुछ कुछ मतलब क्या वैरायटी वैरायटी बोलने से रोटी वोटी बनाने सोच रहे हैं, तो बनाएंगे ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, शाम को फटाका फोड़ने के लिए फ्रेंड लोग आने वाले हैं, तो उन लोग से मिलेंगे, थोड़ा सा फटाका वटाका फोड़ेंगे, ऐसे सोचे हैं, प्लान हम लोग का है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं जो कल कुर्ती खरीद के लाई थी, मैं वही कुर्ती पहनी हूँ। देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मेरा बेटा का भी न्यू टी शर्ट और इनका भी कपड़ा, तो ये बाबू भी मेरा रेडी हो गया है। और ये रो रहा था तो इसका काजल उजल नहीं लगाए हैं, वैसे रो रहा था। तो देख सकते हैं ये भी रेडी हो गया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, अच्छा लगा? हाँ। तो चलिए फिर रंगोली बनाती हूँ, आप सबसे मिलते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं ये मेरा रंगोली है, मैं बस एक ही बनाई हूँ अभी तक और बनाऊंगी, उधर सोच रही हूँ। तो इसको तो अभी कंप्लीट नहीं की हूँ और थोड़ा सा इसको भरना है उसके बाद। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये एक रंगोली है मेरा जो कि मैं बनाई हूँ, और भगवान जी के सामने एक रंगोली बनाई हूँ जो कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला। तो गाइस, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे बनाए मेरा रंगोली, मैं कैसे बनाई हूँ, ठीक है? तो गाइस, फाइनली अभी मैं एक दो घंटे के बाद रंगोली बना के ख़त्म की, और बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था इसकी वजह से बनाने में भी बहुत लेट हो गया, और मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब हो गई जिस टाइप का लग रहा है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है और सब कुछ, फिर आप सब ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, देख सकते हैं ये मैंने छोले का सब्ज़ी बनाएंगे आज, इसीलिए मैं भिगा के रख दी थी, तो ये अच्छी तरफ से भीग गया है। तो मैं इसको भी बॉईल करने के लिए कुकर पे डाल रही हूँ, चारा डाल देती हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं इसी में थोड़ा सा आलू भी बॉईल कर दूँगी। मैं मेरा गैस ऑन कर लेती हूँ पहले खाना बना के। चढ़ा सकते हैं छोले और आलू को, ताकि दो तीन सीटी मारे उसके बाद सब्जी बनाएंगे। थोड़ा सा कम कर देते हैं गैस, ज़्यादा भी नहीं, आराम से धीरे धीरे करके। सो गाइस, फाइनली अभी मैं सब्जी चढ़ाई हूँ, जो मैं बोली थी ना छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मेरा छोले का सब्जी, गाइस हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा बस बाहर का व्यूज देख के आते हैं, क्योंकि दीपावली में हर किसी के घर में लाइट वगैरह लगा होता है, तो बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो चलिए हम लोग घर पे आके मिलते हैं, या तो रास्ते में मिलते हैं। ओके, गाइस अभी हम लोग बाहर गए हुए थे, तो बाहर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब सब तरफ में लीचू लेट सब लगाया हुआ है दीपावली का, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग जाके आए, तो अभी हम लोग दिया हुआ जलेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। तो गोलू अभी छत पे गए हैं कपड़ा लेने के लिए, जब आएंगे तो दिया वगैरह जल के हम लोग पूजा वगैरह करेंगे दीपावली का। यहाँ पर दरवाजा पर चिपकाइए ना, हाँ, शुभ दीपावली। अच्छा अच्छा चिपक रहा है कि नहीं? हो गया ना। सो गाइस, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी दीपक जलने वाला है, जो कि गोलू अभी वो क्या बोलते हैं सड़ता, हम लोग सड़ता बोलते हैं, तो बस वही तैयारी हो रहा है, तो गोलू अभी करेंगे, है ना गोलू? बेटा मेरा रो रहा है, बेटा के पास जाते हैं पहले। ओए बंदर, क्या हुआ तुमको?
क्या हुआ बंदर को, क्या हुआ? लो बेटा टेढ़े मेढ़े खा लो, लो टेढ़े मेढ़े खा लो, टेढ़े मेढ़े खा लो। वो देख रहा है, नहीं देखो, चलो टेढ़े मेढ़े खा लो पहले, ठीक है? टेढ़े मेढ़े खा लो बेटा। तो देख सकते हैं गाइस, अभी मैंने यहाँ पे सारा दिया सब जला दिया हूँ एक जगह पे, और घर के सारे दरवाजे पे भी जा रहा हूँ, दिया को रखूँगा और कुछ दिए को छत पे जाऊँगा, अभी छत पे कुछ दिए को रखूँगा। तो गाइस देख सकते हैं गोलू दिया दिए मतलब हर रंगोली पे दे रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और किचन में एक दे दीजिए, किचन रूम में। तो अभी गोलू गए हैं किचन रूम में देने के लिए, मेरा भगवान जी के पास हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे चाट है, और इधर भी दिया हो गया, और यहाँ पे भी दो हो गया। तो गाइस देख सकते हो ये हमारे दिवाली का मिठाई, और इधर से थोड़ा सा आया है। तो गाइस आप लोग भी, आप लोग को भी बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं दीपावली का, और इधर हम लोग का मिठाई, इधर भी है। अब गोलू खाने के लिए पूरा देख रहे ना कैसे कर रहे हैं, क्या यार मतलब। हाँ बस बस एक बार। हाँ तो देख सकते हैं अभी मनीषा जला रही है अनार बम। तो गाइस अभी हमारा फ्रेंड लोग अब आ रहे हैं, तो अभी हम लोग सब लोग मिल के फटाखा वगैरह फोड़ेंगे बहुत ज्यादा। और ये मेरा सेकंड दिवाली है, सेकंड दिवाली, फर्स्ट दिवाली हम लोग नहीं मनाए थे क्योंकि मेरा तबीयत खराब था उस टाइम, हम लोग घर पे थे सबको, तो उस टाइम मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, पेमेंट हम लोग नहीं बनाए थे, और इस बार हम लोग मिल के बहुत अच्छा बनाएंगे, है ना गोलू, क्या बोलते हैं। तो हम लोग आज को बहुत सारा फटाखा फोड़ेंगे, बहुत सारा हैप्पी दिवाली बाबू, हैप्पी दिवाली। हाँ आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो तो फिर अभी वेट करते हैं उन लोग का आने का, उसके बाद हम लोग फटाखा वगैरह फोड़ेंगे। चलिए तो ब्लॉग में बने रहिए आप सब। तो देख सकते हैं गाइस हमारे फ्रेंड लोग आ चुके हैं, ये इधर रूपेश पटेल, और इधर गगन बारी ब्लॉग है, और इधर मनीषा से पटा रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी लग रहा है, मेरा सेकंड डे में दिवाली मनने वाला, हम लोग खूब सारे अभी सभी लोग आ गए, तभी हम लोग चलते हैं कुछ पटाखा वगैरह फोड़ेंगे। तो सुनो ना, आप ब्लॉग में बने रहे आप सब। आज तो मनीषा कौन क्रीम लगाई अभी बता दो। तो गाइस देख सकते हो हम लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लाइका पूरा खुश है, और लाइका का चाची लोग भी बहुत खुश है, नहीं खा रहा है, क्या करे बेचारा, कोई कुछ ला ही नहीं दिया। अरे तुम लोग आए तो तुम लोग को ना लेके आना चाहिए था लॉलीपॉप, लेकिन अभी बाबू नहीं ना खाता है, बाबू का भी सब खाता है, तुम ने खिला देते हैं, हम रूम से चलते हैं, रूम से नहीं चलते हम, बेटा खा रहा है तो उसको खिलाते हैं हम, है ना बेटा, देखो रूम से चलना चाहिए ना। बोल हाय गाइस। हेलो, सो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम, हैप्पी दिवाली। बोलो बेटा हैप्पी दिवाली सभी को। स्लोमो कर रहे हैं क्या? हां स्लोमो कर, स्लोमो डाल बना दिए, डांस कौन करेगा भाई? हां नाचेंगे ऊपर को ना, नाचेंगे सारी सारी, नाचो ना, सामने ना जा, सामने जा, सामने काहे नहीं गई, चल ऐसा बोल लो ना। कुछ नहीं लाया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। सो गाइस देख सकते हैं हमारा मोहल्ला काफी ज्यादा लाइटिंग से भरा हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग फटाखा वटाखा फोड़ दिए, और अभी हम लोग घर पे आ गए, घर पे जा रहे हैं, तो फटाखा फोड़ दिया हम लोग, बहुत अच्छा एंजॉय किया, और क्या, और आज तो हर किसी के घर में लाइट वाइट जला हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हम लोग को तो, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, सभी कोई आए हुए थे। ओहो
तो गाइस हमारे फ्रेंड लोग आए थे, तो हम लोग मिलके बहुत सारा फटाका वगैरह फोड़े, तो अभी जस्ट अभी फ्रेंड लोग गए। तो फिर हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सबसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।